कल मैंने आपको कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ाया था, आज मैं आपको कुछ और एडिशनल फार्मूले के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या है? साइन ए प्लस बी। इसका फार्मूला कभी कभी आ जाता है, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? एक नंबर में आ सकता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और दूसरा है साइन ए माइनस बी। इसमें क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा जो फार्मूला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। केवल कॉस ए प्लस बी वाले में क्या होता है? माइनस होता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी का चौथा जो फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, जो ए माइनस बी वाले में होता है प्लस, यानी कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारे कुछ फार्मूला है चार। तो पेपर में आ सकता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला होता है तो माइनस चिन्ह लग जाता है। कॉस ए प्लस बी वाले में क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस वाले में क्या होता है? माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी वाले में क्या होता है? प्लस। इतना याद रखेंगे। फिर और फार्मूला है ए और बी के फार्मूला। क्या है? टू साइन ए कॉस बी। कॉस बी का फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे दूसरा है टू कॉस ए, टू कॉस ए माइनस बी टू कॉस ए साइन बी। उसमें क्या होता है? इसमें होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, केवल माइनस लग जाता है। देखिए साइन ए की जगह यहाँ कॉस है, इसमें टू साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी का है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला है तीसरा जो फार्मूला है टू कॉस ए कॉस बी। इसमें है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी। चौथा फार्मूला है टू साइन ए साइन बी। इसमें है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका फार्मूला याद रखें टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या है? कॉस ए
माइनस बी, इसमें क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगला है फार्मूला है सी और डी के फार्मूला। सी और डी के फार्मूला क्या है? सी और डी के फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। इसका फार्मूला है टू साइन सी प्लस डी बटे दो कॉस सी माइनस डी बटे दो। दूसरा है कॉस सी साइन सी माइनस डी साइन सी माइनस साइन डी टू साइन सी प्लस डी। साइन हो जाएगा यहाँ क्या हो जाता है टू कॉस सी प्लस डी बटे दो साइन सी माइनस डी बटे दो। तीसरा फार्मूला है, तीसरा क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी प्लस कॉस डी। इसका है टू कॉस सी प्लस डी बटे दो कॉस सी माइनस डी बटे दो। चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का है टू साइन सी प्लस डी बटे दो साइन डी माइनस सी बटे दो डी माइनस सी बटे दो। और कुछ फार्मूला है? आज मैं आपको फार्मूले के बारे में पढ़ा रहा हूं। अगला है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, या साइन टू ए बराबर में लिख सकते हैं थीटा, ये हम ये भी लिख सकते हैं साइन टू ए। तो क्या होता है साइन ए कॉस ए टू साइन ए कॉस ए। अगला है कॉस, दूसरा है कॉस टू ए या टू थीटा, तो क्या है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए और होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद तीसरा है कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। चौथा है टैन टू ए, इसका फार्मूला है टू टैन ए अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर ए। तो टैन टू ए का ये फार्मूला हो गया। अगला है साइन थ्री ए का। साइन थ्री ए बराबर होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू फोर साइन क्यू ए। कॉस थ्री ए का है कॉस थ्री ए का है फोर कॉस क्यू थीटा फोर कॉस क्यू फोर कॉस स्क्वायर ए फोर कॉस क्यू माइनस थ्री कॉस ए। इसके बाद है हमारा टेन थ्री थीटा। टेन थ्री थीटा का क्या है देखिए tan 3a
टेन थ्री का है, थ्री टेन, थ्री टेन ए माइनस टेन घात थ्री ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, ये हमारे टेन थ्री का फार्मूला है। इन्हें याद करने बाकी मैं कल आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा, ठीक है। चलेगी।